परीक्षा बहुत सारे देता है, क्या परीक्षा? बच्चा छोड़ के स्कूल करते हैं, छोटा बच्चा को घर पर छोड़ के अपना ड्यूटी पक्का करते रहते, फिर भी हम लोग का कोई मांग मांगे है कि जब हम लोग शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए तो फिर हम लोग कितने बार परीक्षा दे अपने घबरा नहीं रहे हैं। पहली बात, सरकार इतने दिनों से क्या मांगे, शुरू से मांगे परीक्षा देंगे, वो भी फेल करेंगे, जैसे तेजस्वी नंबर फेल है ना, नीतीश कुमार भी फेल कर जाएंगे। महागठबंधन को और चैलेंज करते हैं कि 24 और 25 में एक सीट भी नहीं आने देंगे, परीक्षा देते रहे महागठबंधन की सरकार की, देते रहे नहीं परीक्षा देंगे। हम लोग दक्षा परीक्षा दे चुके हैं, हम लोग 10-20 वर्ष से खट रहे हैं, हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, हम लोग राजकर्मी के दर्जा चाहिए हम लोग को। इस समय हम लोग पटना के गर्दनी बाग में हैं, जहां बिहार के शिक्षकों का धरना चल रहा है और शिक्षक जो हैं लगातार धरने के लिए मांग पर बैठे हुए हैं। यहां पर देखिए शिक्षिका भी हैं। मैडम, आपकी मांग क्या है? राजकर्मी का दर्जा। इसके लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो परीक्षा सरकार करे कि शिक्षक परीक्षा से भाग रहे हैं? हम परीक्षा बहुत सारे दे चुके हैं, आप क्या बीपीएससी के द्वारा परीक्षा में आप सम्मिलित क्यों नहीं होना चाहते? हमको तो सब कुछ पता है, क्या परीक्षा देना। कहाँ से आई हुई हैं? वैशाली से। वैशाली से आई हुई हैं, करेंगे परीक्षा से, हम नहीं डर रहे हैं, परीक्षा देंगे। कहाँ से आई हुई हैं मैडम आप? हम आए हुए टेकारी मऊ से। गया? हाँ गए। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग है कि जो परीक्षा हो रहा है उसको अथी किया जाए, राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए आप यहाँ पर मौजूद? हाँ, यहाँ पर मौजूद है, बच्चा लेके हम उतना दूर से आए। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चा लेकर शिक्षिका पहुँची है। इतनी गर्मी है, इस गर्मी में 5 साल की बच्ची को लेकर गया जिले के टिकारी अनुमंडल से यह शिक्षिका पहुँची हुई है अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? अब सरकार न जाने कि हम लोग की बात सुनेगी कि नहीं सुनेगी। हम लोग तो इतना प्रेशर कर रहे हैं, हम लोग सब तरह से देखिए सब, हम लोग इतना दूर जाना आता है, आना रहता है, सब तरह से हम लोग बच्चा छोड़ के स्कूल करते हैं, छोटा बच्चा को घर पर छोड़ के अपना ड्यूटी पक्का करते रहते, फिर भी हम लोग का कोई मांग पूरी नहीं की जा रही है। देखिए, आप लोगों ने किए कि 5 साल की बच्ची को लेकर शिक्षिका जो है यहाँ धरना पर पहुँचे हुए हैं। बहुत सारे शिक्षिका जो हैं देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, गर्मी के कारण जो हैं अस्त व्यस्त हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं और अपने हक अधिकार के लिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं। क्या मैडम आप शिक्षिका हैं? जी। क्या मांग है आप लोगों का? हमारी मांग है कि जब हम लोग शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए तो फिर हम लोग कितने बार परीक्षा दे अपने हक के लिए। कहाँ से आई हुई हैं? मैं गढ़नी से आई हूँ। क्या लगता है कि आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो परीक्षा से क्यों घबरा रही हैं? क्योंकि हम लोग हर बार हम लोग के लिए ये मान लिए इसके बाद भी नया नियम लगाया जा सकता है। परीक्षा से घबरा नहीं रहे हैं। पहली बात, सरकार इतने दिनों से क्या कर रही थी कि किसी को नौकरी करते 17-18 साल गुजर गए, उनकी नौकरी के 3-4 साल और बचे हैं, इस समय वो परीक्षा लेगी। सरकार इतने दिनों से कहाँ थी? हमारी मांग है कि हम लोग नियमावली संशोधन करके बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। कहाँ से आई हैं मैडम? मैं प्राथमिक विद्यालय गढ़ा उदवंत नगर भोजपुर। भोजपुर से आई हुई हैं, इतना दूर चलकर महिला आई हुई हैं। कहाँ से आई हैं मैडम? दरभंगा से आई हूँ। क्या मांग है आपका? हम लोग का बेहतर मांग, जो शुरू से मांग है वही मांग है। तो इसके लिए बहुत सारे महिला शिक्षिका जो हैं आए हुए हैं, स्थानांतरण का भी मांग होगा आप लोगों का। सबसे बड़ा तो मुद्दा उन सरकार को तो दिखना चाहिए कि कम से कम ये जो इसको तो अलग करके रखे, इससे इनको क्या लेना देना है। अगर इतना दिन से लोग आशा में बैठे हुए, ये पलटू सरकार वाकई में पलटू है, इनका पलटना, इनका बात का ना वैल्यू हुआ, दल भी पलटते हैं और बात भी पलटते हैं, ये अपनी बात से हमेशा पलटते हैं, हमेशा पलटते रहते हैं। अगली बार 15 साल हो गया, बोले कमेटी बैठ रही है, कमेटी बैठ रही है, उस बार हम लोग वोट दिए कि बोले सारा काम हो गया है, सिर्फ कमेटी बैठना है और लोग को स्थानांतरण हो जाएगा। सरकार से अब उम्मीद नहीं लगती है क्या? सरकार से उम्मीद कैसे नहीं, छीन के लेंगे, अब ऐसे मांगने से नहीं देने वाले हैं ये। मांगने से नहीं मिलेगा तो अब छीन लीजिए। छीनेंगे कैसे? छीनिएगा, छीन रहे हैं, लड़के छीनेंगे और कैसे छीनेंगे। यहाँ महिलाओं की जत्था, शिक्षिकाओं की जत्था जो है चल दी है। कहाँ से आई हैं?
बिहार शरीफ से। क्या मांग है आप लोगों का? राजकर्मी का दर्जा। राजकर्मी का दर्जा का मांग है? क्या मैडम, क्या मांग है आप लोगों का? राजकर्मी का दर्जा। राजकर्मी का दर्जा क्या मांग है? राजकर्मी का दर्जा। देखिए, इस तरह से जाइएगा तो राजकर्मी की दर्जा की मांग सरकार तक नहीं पहुँचेगी। अपनी मांगों की बात लोगों को पहुँचाना चाहिए। सरकार तक पहुँचाने के लिए आपको अपनी बातों को रखना होगा। बहुत सारे यहाँ शिक्षक शिक्षिका लगातार पहुंच रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। गेट लगा खुला हुआ है और उस खुले हुए गेट में लगातार लोग आ रहे हैं, पहुंचे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, लगातार देखिए पहुंचे हुए हैं। हाँ, कहाँ से? हसपुरा प्रखंड औरंगाबाद जिला से आए हैं और हम लोग यहाँ सरकार का चुनौती देने आए हैं कि जो आपका राजकर्मी का दर्जा जो है, हम लोग का ये संवैधानिक अधिकार है और इसको सम्मान के साथ मिलना चाहिए। अगर न मिलता है तो हम लोग ईट सीट बजा देंगे। क्या मांग है सर आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार सिंह है। मैं परिवर्तन प्रणामी शिक्षक संघ के जिला संयोजक औरंगाबाद के हूँ। क्या मांग है, बोलिए पूरा विस्तार से। मेरा मांग है कि राजकर्मी के दर्जा दिया जाए। हम 60 साल तक आपका सेवा देते हैं, नीतीश बिहार सरकार को सेवा देते हैं। तो फ्री में मांगिएगा परीक्षा देने के लिए सरकार कर रही है। कौन काम की भाई परीक्षा देना, तो पहले आप ले लेते ना। आप पहले लेके बीपीएससी के तब जो परीक्षा देंगे। 15 साल 18 साल हमसे सेवा लिए हैं। आप 15 साल 18 के बाद कहते हैं कि आप हम बीपीएससी के एग्जाम लेंगे। मांग तो अभी ना किए हैं। एक मिनट, मैं नहीं मांग रहा, पूछ रहे हैं अभी नीतीश कुमार। एक मिनट सर, नीतीश कुमार परीक्षा देंगे, वो भी फेल करेंगे। जैसे तेजस्वी नंबर फेल है ना, नीतीश कुमार भी फेल कर जाएंगे, समझ गए? और शिक्षक अगर परीक्षा लेंगे उन्हें तो शिक्षक 100% पास करेगा, लेकिन नीतीश कुमार के पहले पास करना होगा और तेजस्वी को तब शिक्षक परीक्षा देगा। तो सर मांग किए हैं अभी आप, तो परीक्षा के भी बात तो अभी नहीं। पुरानी मांग है। ये तेजस्वी बाबू शिक्षा लिखते थे, घोषणा पत्र में डालते थे पुरानी पेंशन। तो आप तो सुप्रीम कोर्ट में हार चुके हैं, जब घोषणा क्यों करते हैं? रहता घोषणा क्यों? वो मिली भगत सब सरकार की मिली भगत है, आपके मिली भगत सारे हैं। जिस दिन हमारा आप नीतीश जी आप गद्दी पर आए थे, 60 साल किए थे, उस दिन से मेरा मांग है। आज आप कहते हैं कि परीक्षा लेंगे, मैं कहूंगा कि आप जो आईएएस हैं के पाठक, आज वो भी आईएएस पास करके आए। यदि वो आईएएस में बैठते हैं तो मैं भी बैठने के लिए तैयार हूँ। ये दुरंगी नीति नहीं चलेगा। परीक्षा देने के लिए आप तैयार हैं क्या? पहले परीक्षा में पास कर जाए, हम भी पास करेंगे, पहले वो पास करें तो मैं भी बैठूंगा। एक बात सुनिए, आप मंत्री बस सुनिए, विधान परिषद बनते हैं, विधानसभा जाते हैं, मंत्री बनते हैं, राज्यसभा जाते हैं, लोकसभा जाते हैं, आप 5-5 को पेंशन लेते हैं। ये क्या का संविधान है कि आपके लिए पेंशन लागू है? और ये जो 60 साल जो राष्ट्र निर्माता है, जो सेवा किया है, जो बुढ़ारी में रिटायर कर जाएगा, बाल बच्चा ले लेगा, कौन पूछेगा? और मेरे लिए नहीं पेंशन है, इसलिए राजकर्मी का दर्जा चाहिए। और जब तक राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, इनको ईट से ईट बजा देंगे और जनता में वह ताकत शिक्षक में वह। आपके नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, मंच से ऐलान किया जा रहा है कि परिवर्तनकारी के प्रारंभ शिक्षक संघ के ब्रजवासी जी आनंद कौशल, आनंद मिश्रा को रोक दिया गया प्रशासन के द्वारा। आपके साथ भी ऐसा किया जाएगा क्या? अरे गिरफ्तार शेर क्या होता है? गिरफ्तार जिसे भय हो, सरकार को भय है ब्रजवासी जी आनंद कौशल से, सभी नेता शिक्षक संघ के नेता से, इसलिए गिरफ्तार करना चाह रहा है। लेकिन उनका मंशा पूरा नहीं होगा, हम लोग उनको चूर चूर कर देंगे और एक सीट बजा के पूरे। एक ब्रजवासी का है, लाखों लाख ब्रजवासी है, खड़े हैं चिंता करने के बाद। शिक्षक सभी एक मंच पर हैं, विधायक 5 साल के लिए विधायक बनता है तो उन लोगों के लिए 7 साल के लिए पेंशन मिलता है। शिक्षक 7 साल के लिए सेवा करता है, उन लोग कोई पेंशन नहीं है क्या सर? क्या उन लोग की पेंशन नहीं रहेगा? आप बोले कि हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कर ले, शौक से कर ले। अभी हम आ रहे थे गेट पर तो बोला गया कि गेट को बंद करना है। उनको जितना मन है हम लोग कुटाई कर ले, पिटाई कर ले, कर ले,
लेकिन वेतनमान और राजकर्मी का दर्जा उनको देना होगा और मेरा संवैधानिक अधिकार है, लेके रहेंगे, जितना कुटाई करना है कूट लें, मन करे तो एक दो बार और बुला लें, हम लोग कुटाने के लिए पिटाने के लिए भी तैयार है, लेकिन मांग ले करके रहेंगे। आप डंडा के दर से भागने वाले हैं क्या? विधायकों का पेंशन हटाया जाए, विधायकों को पेंशन हटाया जाए, क्या आप पेंशन नहीं होया तो विधायकों को भी पेंशन नहीं चाहिए? जी जी लेते हैं। क्या आप डंटा के डर से भागने वाले हैं क्या? एक मिनट देखिए, हम लोग 2003 से 5 से बहाल हैं, जब हम लोग 1500 पर थे उस समय हम लोग आंदोलन करके ही पटना की धरती पर डंटा से मार खा है और अनुबंध को तोड़ा है। अब आज पुनः मौका हम लोग को दिया गया है, हम लोग इस धरती से जो हम लोग बिहार सरकार परीक्षा की जो बात कर रही है, परीक्षा से हम नहीं घबराते हैं, परीक्षा देंगे, लेकिन हम 4 लाख शिक्षक हैं तो 4 लाख सीट करो, परीक्षा हम देंगे। दूसरी बात, हमारी जो नियुक्ति है नहीं होनी चाहिए। और दूसरी एक बात, आपको भी स्कूल में होना चाहिए था, सड़क पर क्या? अरे भाई देखिए, हम लोग औरंगाबाद वासी है, 6 सीट दिए थे महागठबंधन को और चैलेंज करते हैं कि 2425 में 1 सीट भी नहीं आने देंगे औरंगाबाद की धरती से, 1 सीट नहीं होगा। क्या मांग है मैडम? हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा चाहिए, बस एक मांग है, एक मांग, राजकर्मी दर्जा चाहिए। महागठबंधन सरकार का राजकर्मी का दर्जा की मांग है, 20 वर्ष से हम लोग खट रहे हैं, फिर परीक्षा दे, 10वें परीक्षा देते रहे, महागठबंधन की सरकार की देते रहे, नहीं परीक्षा देंगे। हम लोग परीक्षा दक्षा परीक्षा दे चुके हैं, हम लोग 10-20 वर्ष से खट रहे हैं, हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, हम लोग राजकर्मी के दर्जा चाहिए हम लोग को, बस। महागठबंधन सरकार की घोषणा था, तेजस्वी की घोषणा था, हमारी सरकार होगी तो हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, ये लेकिन पलटू के साथ सट के। क्या एक दिन के धरना से आपको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा क्या? जरूर, अभी हमारी चेतावनी, डेरा डालेंगे, अगर हम लोग का मांग पूरी नहीं हुई, एक मिनट, अगर हम लोग का मांग पूरी नहीं हुई तो इस बार सभी अपने गठबंधन सरकार को उजाड़ फेंकना है। महिलाओं की संख्या कम है मैडम, कैसे मांग कम है? नहीं कम है, 50% नहीं है, बाहर में रोका जा रहा है महिलाओं को, रोका जा रहा है। आप 50% का दावा करते हैं, सबको रुके हुए हैं, उधर में पुलिस लोग रोके हुए हैं। हाँ हाँ, क्या आप अगले पंक्ति में रहिएगा लड़ने के लिए? बैनर टांग के आएगा उसको क्यों रोकेगा सरकार? क्यों रोकेगा लड़ने के लिए? तैयार है, चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ, अधिकार है कि हमारे बिहार के जो नीतीश सरकार है, सरकार के हर एक कार्य को शिक्षक करते हैं, इसके बाद बावजूद भी हम लोग जो है राजकर्मी का मतलब कर्मचारी नहीं है, तो इसलिए हमें हर हाल में राजकर्मी नहीं दिया जाए, जब ना तब बेइज्जती किया जाता है, क्यों बेइज्जती किया जाता है? क्या क्या बेइज्जती किया गया मैडम? विभाग बताइए, सब कुछ खाए हैं हम लोग, इनको बोलने के बाद लाठी खाए, मार खाए है इसके पहले, समझे? आज भी वहाँ पर सब कुछ लगाए हुए हैं इसी के लिए। अच्छा, तो आपका स्थानांतरण की मांग आप लोग के था, हुआ से नहीं दीजिएगा तो धरना प्रदर्शन देंगे ना? बिल्कुल, तब ये मौलिक अधिकार है धरना प्रदर्शन का। सरकार जो भी वादा आपने किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया, एक भी वादा, ये शर्म की बात है, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। आप बोले कि आप लोग रोड पे क्यों हो, हम लोग को भी शर्म आती है, समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इससे ज्यादा शर्म की बात है कि सरकार हम लोग को इस लायक बना दिया। सरकार समय पर किताब देती है, भोजन देती है, तो हम लोग पढ़ाते क्या है? पढ़ाते हो रहा है, लेकिन आज क्या तारीख हो गया? आज कितना तारीख? 11 तारीख है, जून का वेतन अभी तक आया है, 4 तक वेतन है, मार्च का किताब अभी पूरे क्लास में सब बच्चा के किताब, अभी सरकार के तरफ सब क्लास का किताब नहीं मिला है। जुलाई शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बिहार के शिक्षक लोग में दम नहीं है, है ना, पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, बाहर से लोग आएगा, क्यों आएगा बाहर से लोग, काहे आएगा? यहाँ पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल का नेता लोग लेखा जाहिल का वार है लोग,
नेता लोग लेखा जाहिल गवार है, यानी कि नेता लोग जाहिल गवार है, नेता बन गया था, मंत्री बन गया था, विजय हो गए। लोग बिहार के लोग वोट देके बनाए हैं जी, कौन सा बिहार हम लोग ना वोट देते हैं, सारा काम करते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, उन लोगों को भी एमए पीएचडी को बन कर नेता बनना चाहिए, पीएचडी एमए बीए को कर नेता बनना चाहिए, कहे नॉन मैट्रिक का आठवा पास पर नेता बनता है लोग हैं, उन लोगों को एक बार विधायक बन जाते हैं, एक बार विधायक बन जाते हैं तो उन लोगों का 7 साल के लिए कोई भी ऐसा विभाग बताइए जहां ज्वाइनिंग के बाद प्रमोशन के लिए परीक्षा लिया जा रहा है, बताइए तो। हम लोग 15-20 साल नौकरी कर लिया तब कहता कि परीक्षा दो, राजकर्मी का दर्जा देंगे, राजकर्मी का दर्जा देने के लिए परीक्षा है कि फिर से नया हो जाइए, कौन बहाली है? ये तो आप लोग का 2003-05 में भी हुआ है, 20 साल होने वाला है। हाँ तो ही ना कर 20 साल बहाली हो गई, 20 साल होने वाला है, नौकरी करेगा, बाल बच्चा देखेगा कि फिर घर बैठ के तैयारी करेगा, बीपीएससी की तैयारी पहले क्यों नहीं करके लिए, काहे 20 साल नौकरी करवाए, काहे करवाए करने के बाद फिर हम प्रेस बहाली में जाएं, बताइए तो वो बहाल क्यों की? आवाज नहीं है तो बहाल नहीं करना चाहिए था ना उनको है? और जहाँ तक जो है क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है, हम लोग लगातार क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले, लेकिन जो आप बात कर रहे थे सरकार जो है अब तक जो है 60% और 65% जो है किताबें प्रोवाइड कर पाई है, बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, हम लोग खुद सर में लगता है कि हम लोग रोड पर आके आंदोलन करते हैं, जो राष्ट्र निर्माता है वो ये कभी चाहेगा कि हम रोड पर आके, लेकिन क्या है सरकारें जो है हमें योग्य नहीं समझती है, हमारी इज्जत नहीं करती है, यानी कि हम अपने कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार है लेकिन सरकार जो है विभिन्न कामों में हमें लगा देती है, हमें डिस्टर्ब करने की कार्य करती है, क्या लगता है सर? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार स्थिति यह है कि ज्ञानी से ज्ञान लड़े तो ज्ञान हो सभा है, मूर्खवा से ज्ञान लड़े तो बस हो लड़ा है, इस बार हमको मूर्ख मंत्रियों से फेरा फंसा है शिक्षक लोगों का, इस बार तो सर ईंट से ईंट बजा देंगे, मंत्री जी ध्यान से जान लीजिए कि बूथ लेवल पर हम ही प्रेजाइडिंग होते हैं, हम ही पीवन और सब कुछ होते हैं, याद दिला देंगे ये क्या स्थिति होगा बिहार में आपका, आपकी भी परीक्षा कठिन होगी, जिस तरह से हमारे साथ नाइंसाफी किया जा रहा है, हम किसी भी बात झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो बिल्कुल सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है, हमारे साथ बने रहिए, अन्य शिक्षकों से भी हमें मिला आपसे मिलाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।